आप सभी का आप देख रहे हैं 24/7 लाइव टीवी पर। मैं आपके साथ शिवानी वर्मा। रामदेव ने फिर एक बार एलोपैथिक इलाज पर निशाना साधा। कहा ड्रग्स माफियों का बनाया सिलेबस डॉक्टर पढ़ रहे। आपको बता दें कि गाजियाबाद के मोदी नगर में सिकरी कला गांव में स्थित पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट सेंटर के उद्घाटन के दौरान स्वामी रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथिक इलाज को लेकर डॉक्टर पर तंज कसा है। उन्होंने समारोह में एक बार फिर एलोपैथिक के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने खुले मंच में कहा कि डॉक्टर जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उनका सिलेबस देश का ड्रग्स माफिया तैयार करता है, जिसको एलोपैथिक एविडेंस बेस्ड रिसर्च कहते हैं। बताया जा रहा है कि रामदेव ने एलोपैथिक की पढ़ाई को ड्रग्स इंडस्ट्री सिलेबस बताकर एक बार फिर नया विवाद खड़ा कर दिया है। वही रामदेव ने कहा कि जो उनको रिसर्च पढ़ाई जाती है उन्हें भी ड्रग्स इंडस्ट्री तैयार करती है। बताया जा रहा है कि रामदेव ने कहा कि अगले 6 महीने हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में जगह नहीं। वहीं रामदेव ने दावा किया कि अब तक 5 करोड़ से ज्यादा ठगी हो चुके हैं, जिसके शिकार आईएएस और आईपीएस हो चुके हैं। वहीं रामदेव ने बताया कि 3 दिन पहले उन्हें राजनाथ के सेक्रेटरी ने खुद के साथ हुई ठगी की जानकारी दी, जिसमें साफ है कि ऐसे लोगों की। वही मोदी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर मंज शिवास मौजूद है। मंच पर मौजूद बीजेपी विधायक डॉक्टर मंजू शिवास के पेशे में लेडीज डॉक्टर होने के बावजूद रामदेव के इन बेतुके बयानों का विरोध नहीं कर सके और चुपचाप बैठी सुनती है। ऐसे तमाम अपडेट मेरी तरफ से भर रहा थे, ये कैसे कह दिया? मैंने कहा तुम सारी दुनिया में संगठित झूठ, चाहे दो व्यक्ति बोले चाहे 100 करोड़ लोग झूठ बोले, महर्षि ध्यान कहते हैं सत्य से एक व्यक्ति बोल रहा हो वह मान्य होता है, वह सिद्धांत होता है। लाखों करोड़ों झूठ बोले जब अविवेक के कारण से झूठ बोले, उनको पता नहीं उनके उनको जो उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पूरी ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा, ड्रग माफियाओं के द्वारा, कॉर्पोरेट माफियाओं के द्वारा बनाया हुआ सिलेबस है। उनको जो रिसर्च पेपर पढ़ाए जाते हैं जिनको वो बोलते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ये पूरा का पूरा ड्रग इंडस्ट्री का सिलेबस है। तो उससे हम ये सोचे कि अल्टीमेट है। अरे तो यहां इस मोदी नगर में अब बड़ी बात यह होगी, जैसे पूज्य आचार्य जी बोले थे हर बार में तो जगह मिल नहीं रही लोगों को, अब कैसे उपचार होगा।